अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान आपका भाई जी? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान इधर आ जाओ, थोड़ा बाहर को आ जाओ, थोड़ा सा दो मिनट इधर खड़े हो जाओ, इधर को, यहीं पे ठीक है। अच्छा क्या बात है रेहान भाई, और आपका नाम? फैजान। फैजान भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, सवाल करूंगा मैं आपसे, आपको जवाब मालूम होगा तो बताना, नहीं तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई? ठीक है। अच्छा आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी हमारे नबी, हमारा हम पता है आपको, आपको मालूम है, आप घबरा रहे हैं, हमारे नबी जिस नबी की उम्मत में हम, उनका क्या नाम है आपको मालूम है? नहीं 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 आपको मालूम है, कलमा पढ़े आप, कलमा पढ़े सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आप घबराए नहीं बिल्कुल, मेरे भाई यार बच्चों ए खामोश हो जाओ बिल्कुल। क्या नाम है नबी का हमारे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घबराए नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। दिन में और दिन और रात में कितनी बार अजान होती है? पाँच वक्त। कितनी बार नमाज होती है? पाँच बार। पाँच बार होती है, कौन कौन सी होती है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। सही है माशाल्लाह। फजर में कितनी रकात होती है? चार। चार होती हैं, कौन कौन सी हैं? फजर में, फजर में दो फर्ज, दो सुन्नत। दो सुन्नत है, दो फर्ज। इतने आसान सवाल कर रहा हूँ, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, सुकून से बताएं। बेटा ए हट जाना जरा, हटो ए, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, बिल्कुल हट जा वहां से, हट जा। अच्छा आप ही बताइए, नमाज की कितनी शर्तें हैं? मुस्तकीम भाई आओ, आओ आओ भाई, नमाज में कितनी शरातें हैं, नमाज की शर्तें कितनी हैं? शर्तों का मतलब ये होता है, किसी भी काम, किसी भी काम को किया जाए उसकी एक शर्त होती है, इस शर्त पे ये काम इस पे होगा, अगर ये नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है जो उसके बगैर नमाज नहीं हो सकती है? बेटे हट जाओ, साइड हो जाओ, बच्चों बताओ। पाकी? जी हाँ पाकी तो है नहीं, पाक तो जरूरी होना चाहिए। हाँ ये शर्त है नमाज की, और किसी भी चीज के लिए इरादा करना, नियत, नियत कहते हैं उसको, नियत, और वक्त जरूरी है, बिल्कुल। तीन हो गई, वक्त, नियत, वक्त। अरे भैया रास्ता तो छोड़ दो यार, हजरत आप इधर को आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आप बैठ रहे हो, आप आ जाओ, आ जाओ, वालेकुम सलाम, साइड में आ जाओ, इधर को आ जाओ यार, इधर को आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ यार। इन लड़कों से नमाज की शरायत पूछी मैंने, तो बता देंगे आप नमाज? आ जाओ आप, सीख लोगे, कोई बात नहीं, सीख तो लोगे आप, आ जाओ भैया, आ जाओ, आओ बताओ क्या नमाज की शरायत क्या है? छः। छः शर्तें हैं, क्या क्या है नमाज की? एक तो जगह पाक होनी चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, वजू होना चाहिए, और गौर नहीं है आपका भी, आपका भी गौर नहीं है भैया, नियत, वक्त, और कुछ? नियत, वक्त, सतरे औरत, ढका हुआ होना, सतरे औरत का ढका हुआ होना, नियत, वक्त, सतरे औरत, और पाक होना, जगह का पाक होना, काबे की तरफ मुँह, तकबीर तहरीमा, ये शर्तें, छह शर्तें तो बताई ना। हाँ बता दी, सब नहीं बता पाए आप। अच्छा नमाज के, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नमाज में सात हैं। सात फ़राइज़ हैं, गौर करें ज़रा, क्या क्या? नमाज में जिस्म का पाक होना, ये शर्त हो गई पाकी, ये तो शर्त हो गई, फ़राइज़ नमाज के अंदर, नमाज पढ़ने के लिए हम खड़े हो गए, उसमें क्या क्या फ़र्ज़ है? क़याम, क़याम, क़िरात, क़िरात, रुकू, रुकू, इसी तरह से ध्यान लगाइए, सजदा, सजदा, और अत्तहियात, कायदा आखिरा, तकबीर तहरीमा, और गिनो, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा, खुरूज बिसुनई, कितने हो गए? सात हो गए। यार गौर नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है भैया। भाई आपका नाम क्या है? महमूद हसन। महमूद हसन, महमूद भाई तीन फितर कौन सी नमाज में पढ़ते हैं? ईशा की। ईशा की नमाज में पढ़ते हैं। एक दुआ पढ़ी जाती है, कौन सी दुआ होती है वो? दुआ याद नहीं, वो अत्तहियात तो पढ़ लेते हैं। अत्तहियात तो तशहुद में पढ़ते हैं नीचे बैठ करके,
जो तीसरी रकात में खड़े होकर पढ़ी जाती है तीन वितर में? वो अल्हम्दु पढ़ लेता हूँ मैं, मेरे याद नहीं है। अच्छा, वो याद करना वाजिब है? याद करना वाजिब है, अगर नहीं याद है तो पढ़ सकते हैं। यार क्यों नहीं, याद तो कर सकते हैं ना। अरबी नहीं आती, हिंदी आती, हिंदी में याद कर सकते हैं। हाँ, वितर के अंदर दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। वाजिब है, वाजिब है, तो वाजिब है तो वो जरूरी है फिर। अच्छा जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब आलम। मेहताब भाई, मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? मुसलमानों पर पांच टाइम की नमाज फर्ज है। पांच टाइम की नमाज फर्ज है। थोड़ी गाड़ी आगे करो थोड़ी सी। हाँ सर की नमाज का टाइम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, फर्ज बता दिया, पांच नमाजें हैं, और वाजिब कितनी नमाजें? वाजिब, वाजिब नमाज है आपकी जैसे ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और दो नमाज तो ये वाजिब है, और बाकी पांच टाइम की नमाज है फर्ज है। सही है माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। नमाज का टाइम हो रहा है, आप भी नमाज के जाए, आप भी नमाज के जाए माशाल्लाह।